वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी फिलहाल रात का 9 बजा है। तो रात का 9 बजे आपने घर से ब्लॉग बनाना, तो ब्लॉग बनाने का कुछ रीज़न है। तो फिलहाल हम लोग का आसाम में बहुत ही बारिश हो रहा है। बारिश होने की वजह से चारों तरफ पानी पानी पूरा बाहर आ गया है। तो फिलहाल मैं अभी घर से ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ब्लॉग घर से क्यों बना रहा हूँ, तो फिलहाल मैं अभी बिस्तर पर बैठा हुआ, आप लोग सब मेरे पीछे भी देख सकते हैं। फिलहाल आप लोग को दिखाता हूँ, कुछ आप लोग देखने से मालूम चलेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? हम अभी बिस्तर से उतर गया है, नीचे उतर गया। अभी देखिए मेरा घर का अंदर में थोड़ा थोड़ा पानी आ गया है। ये देखिए पानी आप लोगों को शायद थोड़ा दिखाई देगा। मैंने पहले भी सारा सामान उठा के फिट करके रख दिया है, तो इसलिए मालूम नहीं सुबह तक तो कितना पानी हो जाएगा। तो फिलहाल आपको मेरा थोड़ा आंगन दिखाता हूँ। अभी फिलहाल मैं घर का आंगन में हूँ, तो अभी मेरे नीचे पूरा भी पानी है, तो आप लोग को दिखा नहीं सकता है। तो फिलहाल अभी भी बारिश हो रहा है, तो बारिश की वजह से शायद रात तक पूरा बारिश होने से सुबह तक मेरा घर में आधा तक हो जाएगा। शायद सुबह मेरा घर छोड़ के और कोई भी जाना होगा। तो सुबह का ब्लॉग के लिए देखता है, सुबह ब्लॉग बनाऊंगा सुबह पानी और कितना होता है। तो फिलहाल देख सकते हैं मेरे आंगन में पूरा पानी आ गया अभी। तो पता नहीं सुबह तक कितना होगा, सुबह तक शायद मेरा घर में पूरा ही हो जाएगा। तो देखते हैं सुबह का नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, नेक्स्ट ब्लॉग सुबह उठ के बनाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मॉर्निंग टाइम में। अभी सुबह का फिलहाल 5 बज रहा है। अभी देखिए पानी पूरा पीछे तक आधा तक उठ गया है, पानी ज़्यादा नहीं उठा है, मान लीजिए 1 फुट ऊपर तक उठ गया, ज़्यादा नहीं उठा है। तो फिलहाल मैं अभी गांव का रास्ता दिखाऊंगा। एक गांव का एक रास्ता थोड़ा ऊंचा है, उस तरफ नहीं उठा है, जिधर थोड़ा डाउन है उस तरफ भी थोड़ा उठा है, वो भी दिखाऊंगा आप लोग। गांव का रास्ता पे बहुत पानी उठ गया और बारिश, देखिए बारिश फिर भी दे रहा है, तो आज तो और उठेगा शायद पानी। तो अभी फिलहाल देख सकते हो मेरे पीछे राधा कृष्ण जी का मंदिर है। देखिए पूरा मंदिर का आंगन में घुस गया लेकिन अंदर में नहीं घुसा, और थोड़ा ज़्यादा बारिश होने से पानी बढ़ने से ये इसका अंदर में भी शायद घुस जाएगा। गाइस देखिए वही नदी जहाँ से पानी हुआ है, नदी पूरा, देखिए नदी और रास्ता का बीच अंतर ही नहीं है कुछ, नदी भी भर गया है पूरा। अब जो एक तो घर देख रहा है, घर का पीछे स्टेडियम के पीछे वही नदी, नदी और घर एकदम रास्ता का बीच बराबर ही हो गया। गांव का रास्ता पूरा पानी में डूब गया है। बाढ़ देखिए, ये है नेशनल 50 हाईवे है, हमें देखिए पूरा बांध पानी, रास्ता कुछ दिखाई नहीं, रास्ता किस तरफ है और मैं पैदल किस तरफ जा रहा हूँ। ये 50 नेशनल हाईवे है, ऊपर कितना बांध पानी हुआ है।